जंगल। मैं डॉक्टर अनुराग मिश्रा, प्रांत प्रभारी आम आदमी पार्टी, आज शाही पुल पर, शाही पुल के पास ये जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग का ये पूरा का पूरा जो परिसर है वो आप देख रहे हैं। यहाँ सन 1962 से दुकानों का अलॉटमेंट किया गया था दुकानदारों के लिए। आप देख सकते हैं ये सारी दुकानें जो ये सन 1962 से अलॉट है, और कल अचानक से जिला प्रशासन आता है बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी कार्रवाई के, इनके दुकानों में ताला जड़ करके चला जाता है। और एक ही झटके में जो 1962 से यहाँ काबिज थे, बाकायदा पुरातत्व विभाग को अपना पैसा जमा करते थे, किराया जमा करते थे, उनको एक झटके में दुकान बंद करके चले गए और इनको सड़क पर ला दिया, इनकी रोजी रोटी को खत्म कर दिया। सवाल ये है कि जब इनको नोटिस मिली थी, ये पूरा किराया जमा कर रहे थे, 62 में अलॉटमेंट होता है, 65 तक पुरातत्व विभाग ने लिया, उसके बाद दीवानी से एक मुकदमे में ये निस्तारण होता है कि आप जिले में एक जिला न्यायालय में आप पैसा जमा करिए। वहाँ इन्होंने पैसा आज की डेट तक जमा किया है, बावजूद इसके इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मनमाने ढंग से जिला प्रशासन जो डिसाइड कर रहा है वो पैसा जाकर के रसीद कटवाइए। जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश में ये स्थापित कर दिया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। दुकानदारों का कहना है, मैं इनसे बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि हम पैसा अगर बकाया भी है तो हम जमा करना चाहते हैं, पुरातत्व विभाग बताए हमें कि हमें कहाँ पैसा जमा करना है, हम पैसा जमा कर देंगे। लेकिन पुरातत्व विभाग नहीं बता रहा है, जिला प्रशासन, एडीएम वित्त और राजस्व, सीआरओ साहब ले आकर के ताला लगता देते हैं और नगर पालिका के अधिकारी अपने सामने ताला लगवाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के बावजूद कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, सारे के सारे दुकानदार अपना पैसा जमा करना चाहते हैं, बावजूद इसके पुरातत्व विभाग वो पैसा ले, पुरातत्व विभाग इनको बताए। आज संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है ज्ञापन, अगर ताला सोमवार तक नहीं खोला जाता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दुकानदार भाइयों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में भिक्षाटन का कार्यक्रम चलाएंगे, कटोरा लेकर के आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले उनसे मांगने का काम करेंगे। और ये आंदोलन